परी एक ऐसी शक्ति जिसकी साधना करने से आपको वह चीज मिलेगा जिससे आपके अंदर एक अलग ऊर्जा प्रवाहित होगी, और यह जो शक्ति है इस ऊर्जा का स्रोत जो है या फिर जो परी की जो सिद्धि है उससे आप मन चाहे व्यक्ति को या फिर प्यार को बड़ी आसानी से अपने फेवर में कर सकते हैं। लेकिन बस इसे आप तभी कर सकते हैं जब आप पति पत्नी हो या फिर सच्चा किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना ही बनाना हो। इसकी शक्तियाँ ऐसी है कि यह जो तरंग पैदा करता है, नाद उत्पन्न करता है, जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए साधना करेंगे और उसके नाम से इस सिद्ध शक्ति को छोड़ेंगे जागृत करने के बाद, तो ये क्या करेगा, उसके मन में, मस्तिष्क में, विचारों में, भावनाओं में जाएगा, बार बार जाएगा, व्यक्ति समझ नहीं पाता है, ये बार बार आते जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी जो तरंग है, जो लहर है, ऊर्जा की जो फ्रिक्वेंसी है, वह आपकी तरफ मुड़ने लग जाती है, आपकी तरफ बहने लगता है उसके भाव। और ऐसे भी इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है भावना, नदी से भी सागर से भी तेज भावना है। भावना की जो हिलोरे हैं इतना प्रबल, उसे आसानी से आदमी छूट नहीं पाता है। तो यह क्या है, आपकी भावनाओं को जिसके ऊपर आप कर रहे हैं उसकी भावना को, विचार को, मन को ऐसा ऐसा करेगा आपके लिए, आपके फेवर में, कि व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी उसका उसके ऊपर वश नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। और क्या होगा, फिर वह आपके बारे में जब सोचने लगेगा, विचार करने लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप ख्यालों में, प्यार में डूबना शुरू हो जाएगा। और यह कार्य करेगी ऊर्जा, क्योंकि शरीर से आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का एक बंधन है, आप उस व्यक्ति के पास नहीं जाते, कई बार व्यक्ति के सामने खड़े नहीं हो सकते, दूर रहना पड़ता है, आप हमेशा मिल नहीं सकते। लेकिन ऊर्जा के पास कोई बंधन नहीं, परी की जो सिद्धि है, जो शक्ति है, उसके पास ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी कर सकती है सब चीज़, क्योंकि उसके पास है असीमित ऊर्जा जो समय और स्थान से परे होता है। तो उसके जरिए आप इसकी सिद्धि करके आप मन चाहे प्यार को ऐसे बांध सकते हैं, ऐसे बांध सकते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी सुखमय हो जाएगा, प्यार भरा रिश्ता भी आपका सुखमय हो जाएगा। और चूँकि जब इसका सुख मिल गया तो फिर आपको और क्या चाहिए, फिर तो ऑटोमेटिक आपका जीवन जो है सज जाएगा, एक अलाइनमेंट में आ जाएगा। तो पहले यह तो हो गया फल की बात, जो यह करता है, जो यह ला कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह परी जो है आपके पास आएगी कैसे और किस तरह से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको साधना के, सिद्धि के प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, क्योंकि इसे करने से यह जागृत होती है, जागृत होने के बाद यह आपके लिए कार्य करती है, और बड़ा आसानी से सरल, बस आपको सटीक नियमों का पालन करना है, फिर देखिए कैसे इसका चमत्कार होता है। तो करना क्या है, मंत्र है, उस मंत्र के साथ साथ आपको नियम में भी आना है। आप सुबह शाम एक रूटीन बना लीजिए, इतने इतने टाइम इसको मंत्र को जाप करना है, एक गिलास पानी लेकर ध्यान करते हुए, और कम से कम 21 दिनों तक करना है। कोई भी चीज़ जो है प्रोसेस से होकर गुजरता ही है, तब जाके उसके अंदर वह शक्ति आती है या फिर वह जागृत होता है, और उसके बाद आप जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं, वह आपके पास प्रत्यक्षीकरण होता है या फिर प्रकट होता है या फिर आपके समक्ष आता है, और ऐसा आता है कि वह आपके हर कार्य को पूर्ण कर देगा। खास तौर से परी जो शक्ति है वह आपके लिए प्यार के, रिलेशनशिप के, और व्यक्ति को अपने पास आकर्षित करने के लिए बहुत जल्दी कार्य करता है। तो इसके लिए जो मंत्र है उसे आप ध्यान से आराम से उच्चारण करिएगा, प्रतिदिन कम से कम 2 माला रुद्राक्ष माला लेकर करिए, कोई सभी माला गिनती सही रखिएगा, माला अगर नहीं है तो 1 गिलास पानी जरूर रख लीजिएगा, और एकांत और शांत चित्त मन से करें ओम पम प्रीम परि प्रियाम नमः। और इस मंत्र की शक्ति से वह धीरे धीरे, जब आप जाप करें तो ऊर्जा बढ़ाकर जाप करें, अर्थात बोलते हुए जाप करें, इससे ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होता है।